हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोजन यूनिट के लेक्चर नंबर 2 में हैं और यहाँ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल का स्टडी करेंगे। जैसा कल के पार्ट 1 वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, द नॉमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, द वर्ड मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड नेचुरल अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान क्या है। जब हम पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल का स्टडी करते हैं तो वहाँ स्पेशली कुछ ऐसे हिंट्स पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे क्लियर पॉइंट्स हैं या टॉपिक्स हैं जिनको लेकर के अगर हम स्टडी करें तो लगभग हम किसी भी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के, वो चाहे एस ब्लॉक का हो, चाहे पी ब्लॉक का हो या डी ब्लॉक का हो, उस वर्ग के लिए प्रॉपरली पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इजिली एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। उनमें से आज फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहां से, देन आगे जब हम एस ब्लॉक यूनिट में होंगे और पी ब्लॉक यूनिट में होंगे तो वहां आपको अकॉर्डिंग टू ग्रुप प्रत्येक वर्ग के लिए एक क्वेश्चन इसका जरूर मिलेगा। तो लगभग लेआउट अगर यहां से हम समझ लें, इन पॉइंट्स को माइंड मेकअप कर लें, तो ऐसे जितने भी आपके पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हाइड्रोजन की स्थिति की विवेचना के लिए क्वेश्चन समझते हैं और उसके बाद उसके आंसर्स देने के क्राइटेरिया को समझते हैं। क्वेश्चन से टू यू, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। Then next type of question, how do you prove that hydrogen belongs in first A group and also belong in seventh A group in periodic table? Now next variety of question, question say to you, describe the position of hydrogen like as a alkaline metal group and explain the position of hydrogen like as a halogen elements in periodic table. तो इन सभी questions का view आया कि आवर्त सारणी में hydrogen की स्थिति की विवेचना first A वर्ग के अंतर्गत और seventh A वर्ग के अंतर्गत आने वाले elements के आधार पर कीजिए या इन वर्गों के आधार पर कीजिए। Then second category, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति की विवेचना क्षार धातुओं और हैलोजनों की भांति स्पष्ट कीजिए। तो अब हम सबसे पहले इन दोनों का ही, यानी फर्स्ट ए ग्रुप का और सेवेंथ ए ग्रुप का जो एलिमेंट्स हैं उसको आपको एक्सप्लेन करते हैं, देन दोनों की सिमिलरिटी, पहले हम फर्स्ट ए ग्रुप का डिस्कशन करेंगे अर्थात एल्कलाइन मेटल्स को एक्सप्लेन करेंगे, उनमें से क्षार धातुएं आएंगी और उन क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजन के क्या प्रॉपर्टीज बनते हैं, उनके क्या सिम्टम्स आते हैं, उसके क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इसका स्टडी करें। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट सिमिलरिटीज विथ एल्कलाइन मेटल्स, क्षार धातुओं से समानता। एस ब्लॉक के अंतर्गत फर्स्ट ए ग्रुप को एज ए स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, यहां हम पूरा ही एस ब्लॉक आपको आउटलाइन में दिखा देते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक के अंतर्गत टू ग्रुप की प्रेजेंस है,
फर्स्ट ए एंड सेकंड ए. फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं एल्केलाइन मेटल्स यानी क्षार धातुएं, और सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं वे कहलाते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल अर्थात क्षारी मृदा धातुएं. यहाँ एलिमेंट्स को सेट करें तो फर्स्ट पोजीशन है हाइड्रोजन की, देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. देन सेकंड ए ग्रुप में जाएंगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. बट यहाँ हम लोग केवल हाइड्रोजन के लिए पोजीशन की विवेचना करने जा रहे हैं, स्थिति की विवेचना करने जा रहे हैं, तो इसे हाईलाइट करें हाइड्रोजन को. तो फर्स्ट ए ग्रुप में इसका फर्स्ट पीरियड में स्थान दिया गया. अगर हम यहाँ पीरियड का नंबर सेलेक्ट करें तो टोटल 7 पीरियड्स की प्रेजेंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो इन केस हाइड्रोजन की जो स्थिति है उसे अनसर्टेन मानते हैं, अनिश्चित मानते हैं. तो इस अनिश्चितता का रीजन क्या है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू यू प्रूव दैट हाइड्रोजन बिलोंग इन फर्स्ट ए ग्रुप एंड आल्सो बिलोंग इन सेवेंथ ए ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल. तो जब दोनों में ही ये समानता रखता है तो इसलिए इसे अनसर्टेन पोजीशन कह रहे हैं, अनिश्चितता की स्थिति कह रहे हैं. तो पहले हम फर्स्ट ए के सापेक्ष में इसकी स्टडी करेंगे. आपको यहाँ आउटलाइन से समझ में आया होगा कि फर्स्ट ए ग्रुप के अंतर्गत आने वाली जो एल्केलाइन मेटल्स हैं यानी ये क्षार धातुएं हैं, इनमें से हाइड्रोजन अपनी सिमिलरिटीज को रिप्रेजेंट करता है. तो आइए अब पढ़ते हैं कि क्या क्या समानताएं हैं ऐसी जो हाइड्रोजन इन क्षार धातुओं की भांति रखता है. तो अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. जब स्थिति की विवेचना करेंगे किसी भी एलिमेंट्स के लिए हो तो वहां आपका फर्स्ट आंसरिंग टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास. तो हाइड्रोजन के सापेक्ष हम इस कॉन्फिगरेशन को रिप्रेजेंट करें. जैसा कि अभी फर्स्ट ए ग्रुप में एलिमेंट्स देखे आपने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. जब हम इनका कॉन्फिगरेशन करते हैं तो इनके लास्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है. और जब SPDF में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 प्राप्त होता है. तो अगर ये NS1 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है तो इसकी पोजीशन फर्स्ट ए में हो सकती है अर्थात ये क्षार धातुओं की भांति समानता प्रदर्शित करता है. तो पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेट करते हैं KLM में. हाइड्रोजन का Z वैल्यू 1 होगा, परमाणु क्रमांक 1 होगा. कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो K में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. देन लिथियम को कॉन्फ़िगरेट करेंगे, इसका Z वैल्यू 3 होगा तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L में 1 इलेक्ट्रॉन्स. जबकि सोडियम का 11 होगा, कॉन्फ़िगरेट करेंगे 2, 8 एंड 1 तो M में होगा. और पोटेशियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 19 का, देन 2, 8, 8 एंड 1 और ये N में जाएगा. तो यहाँ इस स्टैंडर्ड में जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट्स के बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, जो कि यहां पर इस कॉन्फ़िगरेशन के केस को प्रूव करती है. जैसा मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि इस फर्स्ट ए वर्ग के अंतर्गत जैसे सभी
एल्केलाइन मेटल्स के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, उसी प्रकार हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में बाह्यतम कोष में या जो भी कोष उपस्थित है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है। तो अगर हम यहाँ इसे रिमार्क करें तो केवल बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन 111 की स्थिति में दिखाई देते हैं। तो इन क्षार धातुओं से हाइड्रोजन इस कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम कॉन्फ़िगरेट करेंगे इन्हें SPDF में। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1 के लिए तो आएगा 1s1, देन लिथियम 3 को कॉन्फ़िगरेट करेंगे 1s2 एंड 2s1, देन सोडियम 11 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, एंड पोटेशियम के लिए 19 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। और जब हम इसे रिमार्क करेंगे अंतिम उपकोष के लिए तो पोजीशन हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई देगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सभी में सेम होगा। देखिए यहाँ पर जो ये लिखे हैं ये कोस हैं, 1, 2, 3, 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो n का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, अर्थात कोस का वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, इसलिए हमने इन बढ़ते हुए सीक्वेंस को कॉमनली रिप्रेजेंट किया था n से। n क्या है तो ये कोस को प्रदर्शित करता है, और इसे हमने क्वांटम नंबर्स के संदर्भ में पढ़ा था कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी एक्सप्लेन करती है जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। एट लास्ट जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति देखते हैं तो सभी के लास्ट सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स की ही प्रेजेंस है, और इसका जो सबसेल है वो s है, यानी अंतिम उपकोष s है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए इनका कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ns1 प्रकार का होता है। तो जैसे एल्केलाइन मेटल्स के लास्ट उपकोष में ns1 कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन का भी कॉन्फ़िगरेशन ns1 स्टाइल का प्राप्त होता है। तो इसलिए यह है एल्केलाइन मेटल्स या क्षार धातुओं से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता को प्रदर्शित करता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, धन विद्युती प्रकृति, थोड़ा वैलेंसी से रिलेटेड टर्म होगा ये, इसे समझते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। तो एक तरफ रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन को और वन साइड रिप्रेजेंट करते हैं एल्केलाइन मेटल्स को, और स्पेशली लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन, जैसा अभी हमने किया कि हाइड्रोजन का 1 और लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन किया था 2 एंड 1, सोडियम के लिए 2, 8, 1 एंड पोटेशियम के लिए 2, 8, 8 एंड 1। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी को देखा जाए तो ये ऑक्टेट रूल की कंडीशन फॉलो करते हैं, और आपने वैलेंसी यूनिट में पढ़ा कि वे एलिमेंट्स जिनके बाह्यतम कोष में अष्टक के आधे से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट 8 हाफ 4 और कम मतलब 3 हो जाएं, 2 हो जाएं, 1 हो जाएं, अगर ये स्थिति मिलती है तो वे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो सभी की स्थिति 8 इसका हाफ 4 और 4 से कम 3, 2, 1 की पोजीशन में मिल रही, तो ये सारे के सभी मेटल 1 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात इनके बाह्यतम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जैसे ही इसका 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा वैसे ही इनके ये वाले ऑर्बिटल्स फिनिश हो जाएंगे।
देन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल लिथियम को छोड़कर ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो ये जब डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो लिथियम पर सिंगल यूनिट का प्लस चार्ज होगा, सोडियम पर सिंगल यूनिट का प्लस चार्ज होगा, पोटेशियम पर सिंगल यूनिट का प्लस चार्ज होगा। अर्थात इनके जो आयन्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्राप्त होंगे, इन्हें ही धनायन कहते हैं, और इन धनायनों पर एक इकाई का प्लस चार्ज यानी धनावेश पाया जाता है। जबकि हाइड्रोजन के संदर्भ में हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन किया 1 और इसका लास्ट या बाह्यतम कोष भी यही है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अपना तो ये पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा, H प्लस यानी हाइड्रोजन धनायन का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए यहाँ पर हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें, एक्सप्लेन करें, तो जैसे हाइड्रोजन पर प्लस यूनिट का चार्ज है, उसी प्रकार एल्केलाइन मेटल्स पर भी प्लस यूनिट का सिंगल चार्ज है। तो जैसे क्षार धातुओं पर एक इकाई का धनावेश है, ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन पर भी एक इकाई का धनावेश होता है। इसलिए इसकी जो नेचर है वो कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगी, अर्थात हाइड्रोजन क्षार धातुओं की भांति धन विद्युतीय लक्षण को प्रदर्शित करेगी। नाउ थर्ड पॉइंट, वैलेंसी, संयोजकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहां अगर हाइड्रोजन के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स देख लें, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन्स देख लें, तो एक होगा, और सभी क्षार धातुओं लिथियम सोडियम और पोटेशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में भी 1-1 इलेक्ट्रॉन्स ही होगा। जैसा अभी हमने इनके आयन्स लिखे Li प्लस Na प्लस एंड K प्लस, और हाइड्रोजन का आयन लिखा H प्लस। तो अगर हम वैलेंसी के संदर्भ में एक्सप्लेन करें तो किसी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में वे इलेक्ट्रॉन्स जो उसका ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए या उसकी परमानेंट स्थिति को लाने के लिए डोनेट किए जाते हैं या एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो उन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंसी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ इन दोनों के लिए अर्थात एल्केलाइन मेटल्स के लिए और हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी रिमार्क करें, तो हाइड्रोजन पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है और सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, जबकि एल्केलाइन मेटल्स पर भी। तो जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी का वैल्यू 1 होगा, 1 होगा, उसी प्रकार इन एल्केलाइन मेटल्स की भी वैलेंसी का मान 1 होगा, अर्थात ये क्षार धातुएं जिस प्रकार मोनोवेलेंट हैं, अर्थात एक संयोजी हैं, मोनोवेलेंट, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, एक संयोजकता को प्रदर्शित करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। तो इस फर्स्ट ए ग्रुप में जो एल्केलाइन मेटल्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू प्लस वन होता है। जबकि हाइड्रोजन के लिए अगर हम इनके मेटेलिक हाइड्राइड को छोड़ दें, धातु हाइड्राइडों को छोड़ दें, तो अन्य में हाइड्रोजन के लिए भी ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू प्लस वन होता है। तो जैसे एल्केलाइन मेटल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है, उसी प्रकार हाइड्रोजन के लिए भी ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू प्लस वन होगा। दोनों के सापेक्ष में कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इस ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू को देखते हैं कि कैसे प्लस वन वैल्यू आती है। सपोज दैट
a compound is NaCl. यहाँ सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के सभी रूल्स एक्सप्लेन किए हैं. उसी के आधार पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे. जिस एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसे एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. और सीएल हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत आता है. हैलोजनों की नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू -1 होगा. तो एक क्लोरीन है इसलिए इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे -1. और उस कंपाउंड में उपस्थित सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का टोटल इक्वल्स टू 0 होगा. तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस -1 इक्वल्स टू 0. देन सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू +1. सोडियम के सापेक्ष आंसर मिलेगा +1. अब हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड के लिए देख लें. सपोज दैट HCl के लिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें. तो हाइड्रोजन को X से रिप्रेजेंट करेंगे और Cl हैलोजन है, इसकी ऑक्सीडेशन -1, सबका टोटल 0. देन X इक्वल्स टू +1. तो जैसे एल्केलाइन मेटल्स के कंपाउंड्स में उन क्षार धातुओं की ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू +1 प्राप्त होता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू +1 प्राप्त होता है. बट मेटेलिक हाइड्राइड के संदर्भ में अगर हम इसे पढ़ें तो वहां पर हाइड्रोजन ये -1 रिप्रेजेंट करने लगता है. ये एक प्रकार का डिफरेंट केस होगा, आपकी जानकारी के लिए है, इसको मैं बता देता हूं. चूंकि ये असमानता हो जाएगी इसलिए यहां आंसर में इसे सबमिट नहीं करेंगे, बट समझ लेते हैं कि क्यों होगा ऐसा. सपोज दैट मेटेलिक हाइड्राइड NaH रिप्रेजेंट करें, सोडियम हाइड्राइड कहते हैं इसे, और अगर यहां हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करें तो एल्केलाइन मेटल्स की सदैव +1 होगी. तो सोडियम के लिए +1 और हाइड्रोजन को X से रिप्रेजेंट करेंगे, सबका टोटल 0. देन X इक्वल्स टू -1 और यहां हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन -1 आ जाती है, जो कि इस आंसर के लिए एक प्रकार का क्रिटिकल केस है या अपवाद है. तो इसे यहां सबमिट नहीं करते हैं, बट जान लेते हैं कि धातु हाइड्राइडों में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वह -1 प्राप्त होती है. लेकिन जब हम सिमिलरिटी में जाते हैं तो जैसे क्षार धातुओं की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, उसी प्रकार हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली +1 प्राप्त होती है. नाउ नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन विथ नॉन मेटल्स, अर्थात अधातुओं से संयोग करने की क्षमता. सबसे पहले नॉन मेटल्स का केस क्लियर करें, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ए में एल्केलाइन मेटल्स पढ़ रहे हैं, क्षार धातुएं पढ़ रहे हैं. तो धातु वे हैं, अगर हम डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें इनके डेफिनेशन पॉइंट्स को, तो धातु वे हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं. एंड सेकेंड पॉइंट, धातु वे हैं, मेटल्स वे हैं जो पॉजिटिव आयन्स का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात धनायनों का निर्माण करते हैं. तो अगर हम यहां मेटल की सीरीज लिखें तो लिथियम, सोडियम, Li+, Na+, K+, ये सभी के सभी धातु हैं, मेटल्स हैं. और जस्ट इसका अपोजिट, जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी हो, जिनमें नेगेटिव आयन फॉर्मेशन की कैपेसिटी हो, अर्थात ऋणायन बनाने की क्षमता हो, वे अधातु हैं. तो जो नॉन मेटल्स यहां लेंगे हम लोग, वे नेगेटिव आयन्स का फॉर्मेशन करेंगे. जैसे नाइट्रोजन ले लें तो नाइट्रोजन -ट्रिपल का होगा, ऑक्सीजन ले लें -डबल का होगा, और हैलोजन्स जितने भी लेंगे वो सारे -सिंगल के होंगे. सपोज दैट क्लोरीन -सिंगल, ब्रोमीन -सिंगल एंड आयोडीन -सिंगल. तो ये सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं, जबकि हम इनका रिएक्ट कराएंगे मेटल्स से. तो धातुओं की क्रिया अधातुओं से, और उसी प्रकार हाइड्रोजन की क्रिया इन अधातुओं से होगी, जिसे रिएक्शन के माध्यम से क्लियर कर. तो रिएक्शन से इसे क्लियर करें कि जैसे एल्केलाइन मेटल्स यानी क्षार धातुएं नॉन मेटल से रिएक्ट करती हैं, यहां क्लोरीन से रिएक्ट कराया है,
सोडियम क्षार धातु है और ये क्लोरीन से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड साल्ट का फॉर्मेशन करती है, NaCl बनाती है। तो जैसे सोडियम इस क्लोरीन से या अधातु से क्रिया करती है तो सिंपली रिएक्ट करके उसका साल्ट फॉर्मेट करती है। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन भी क्लोरीन से या हेलोजन से या अधातु से क्रिया करके सुगमता पूर्वक HCl का फॉर्मेशन कर ले। दूसरा नॉन मेटल ऑक्सीजन के लिए ले लें और इसका एग्जांपल देख लें। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H2 और O2 रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, H2O बनाते हैं, अर्थात हाइड्रोजन ऑक्साइड है ये, इसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक उसी प्रकार सोडियम मेटल यानी क्षार धातु नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम का ऑक्साइड बनाती है, Na2O से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज है और सोडियम पर सिंगल प्लस चार्ज है, तो इसलिए इसे फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे Na2O सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ इन रिएक्शन के माध्यम से हमें पता चलता है कि जैसे क्षार धातुएं सरलता पूर्वक सुगमता पूर्वक नॉन मेटल से या अधातुओं से संयोग कर लेती हैं, ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन भी इन क्षार धातुओं की सिमिलरिटी के साथ साथ इन नॉन मेटल से सुगमता पूर्वक अर्थात अधातुओं से सरलता से क्रिया कर लेता है या संयोग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक गुण। जिस प्रकार क्षार धातुओं में या एल्कलाइन मेटल्स में रिड्यूसिंग नेचर होता है, ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन में भी रिड्यूसिंग नेचर पाया जाता है और यह अपचायक क्षमता प्रदर्शित करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरिटीज इन द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स, अर्थात हैलाइडों के गुणों में समानता। तो जैसे क्षार धातुओं के हैलाइड सोडियम के लिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम के लिए पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन के भी हैलाइड जैसे HCl, जैसे HBr, जैसे HI प्राप्त होते हैं। तो जिस प्रकार से क्षार धातुएं अपने हैलाइड का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन भी अपने हैलाइडों का निर्माण करता है। तो अगर हम इन हैलाइडों की इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो जिस प्रकार हाइड्रोजन के हैलाइडों की इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिलीज होती है, ठीक उसी प्रकार एल्केलाइन मेटल्स के हैलाइड इलेक्ट्रोलिसिस से उस मेटल को, एल्केलाइन मेटल को कैथोड पर रिलीज करते हैं। रिएक्शन पर इसे देख लेते हैं। जैसे HCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो ये ब्रेकडाउन करेगा H+ NCl-, तो अगर कैथोड प्लेट पर रिएक्ट जाएगा इसका तो H+ यानी आयन एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा और देन एटम्स रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, तो कैथोड पर हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। और अगर एल्केलाइन मेटल का एग्जांपल ले लें, सपोज दैट NaCl का, तो यह भी सेम रिलीजन करेगा Na+ NCl-, तो यहाँ सोडियम प्लस का जो ये मेटल है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एटॉमिक फॉर्म में और देन एटम के रिएक्ट करने से यह आपको कैथोड पर रिलीज होगा। तो ये दोनों ही हैलाइडों के नेचर में समानता को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार HBr के लिए रिएक्ट कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस से H+ NBr-, तो H+ कैथोड पर रिलीज होगा, और सोडियम ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो Na+ NBr-,
तो यहाँ Na प्लस कैथोड पर रिलीज होगा, अर्थात सोडियम धातु कैथोड पर रिलीज होगी और हाइड्रोजन भी कैथोड पर रिलीज होगी। पोटेशियम के संदर्भ में हाइड्रोजन आयोडाइड अगर ले लें और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो H प्लस Ni माइनस कैथोड पर हाइड्रोजन रिलीज होगी, और पोटेशियम के संदर्भ में Ki का अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो पोटेशियम K प्लस एंड I माइनस, तो ये K प्लस आपको कैथोड पर प्राप्त होगा, अर्थात पोटेशियम धातु कैथोड प्लेट पर और हाइड्रोजन भी कैथोड प्लेट पर प्राप्त होती है, जो कि इनके हैलाइडों में समानता के गुण को प्रदर्शित करती है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन की स्थिति की विवेचना, अर्थात पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल के एक सेक्शन को कंप्लीट किया, क्योंकि हमने क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया कि क्षार धातुओं से समानता और देन हैलोजनों से समानता, अर्थात फर्स्ट ए वर्ग और सेवेंथ ए ग्रुप से सिमिलरिटी। तो आज हम लोग फर्स्ट ए ग्रुप का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरिएशंस हैं और बहुत ही डिफरेंट टाइप के लॉजिक्स हमें यहाँ मिले, जिन पॉइंट्स के माध्यम से हमने एक्सप्लेन किया। अगर ये पॉइंट्स आप माइंड मेकअप कर लें तो जो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, वे आप इजिली सॉल्व कर ले जाएंगे, ट्रिकी स्टाइल में सॉल्व कर ले जाएंगे। आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें किस व्यू में, किस पॉइंट में, किस टॉपिक में क्या डिस्कशन करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप उनके आंसर्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो इस पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन का जो अगला सेक्शन है वो हम लोग यूनिट के लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे, और आज का जो डिबेट हुआ या जो टॉपिक्स मिले यहाँ हमें, उनमें से कॉन्फिगरेशन, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट और पीक पॉइंट्स, तो इनकी तैयारी करिए, डीपली इनको स्टडी करिए, मस्ट बी वॉच वीडियोस, लेक्चर्स जरूर देखिए। जिन्होंने मिस कर लिया हो क्लास को, वो पार्ट नंबर 1 वाले लेक्चर्स वीडियो को जरूर देख लें, ताकि ये यूनिट आपको क्लियर होती चले। और आज इस ए पार्ट को कंप्लीट करने के बाद कल आपको बी पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जहां पर उस बी सेक्शन में हम लोग सिमिलरिटीज विथ हैलोजन का स्टडी करेंगे, अर्थात हैलोजनों से समानता का स्टडी करेंगे, और ये प्रूफ करेंगे कि कैसे हाइड्रोजन हैलोजनों की भांति गुणों को प्रदर्शित करता है या लक्षणों को प्रदर्शित करता है। तो नॉमिनेशन में भी आपको डिफरेंस क्लियर करूंगा हाइड्रोजन एंड हैलोजन। कई बार ये होमोफोनिक टेक्सा लगता है, बट दोनों में डिफरेंस है। हाइड्रोजन को मैंने अकॉर्डिंग टू वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किया है आपको पार्ट नंबर 1 वीडियो लेक्चर में, और थर्ड नंबर वीडियो लेक्चर में आपको हैलोजन टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, और दोनों के वर्ड टेक्सा में भी डिफरेंशिएट करेंगे और जानेंगे कि ये दोनों कैसे आपस में समानता को प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर वॉच कर लेंगे आप पूरा, तो नोट्स बनाने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा आपको, और जिस तरह से मैंने पॉइंट आउट किए हैं यहाँ सारे टॉपिक्स को, आप उसी सीक्वेंस में अपने नोट्स को भी कंप्लीट करते चलिए, और इसी टॉपिक पर ही नोट्स क्लियर करिए। जैसे यूनिट हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हाइड्रोजन टर्म एक्सप्लेनेशन, देन अकुरेंस ऑफ हाइड्रोजन, देन पोजीशन, देन आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, उनके विद स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन किए हैं, और देन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो इसी ऑर्डर में आप अपने नोट्स को भी कंप्लीट कर सकते। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो
तो वीडियो लाइक करिए, पॉजिटिव कमेंट्स करिए, और पॉजिटिव कमेंट्स के माध्यम से आप अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं।